नमस्कार। हमारी आज की कहानी वृद्धों का घोंसला, बुढ़ापे में अकेलेपन को बांटने वाला सच्चा घोंसला। कहानी सुनते हैं दोस्तों। सुबह होते होते मोहल्ले में खबर फैल गई थी कि कोने के मकान में रहने वाले कपिल कुमार इस संसार को छोड़कर चले गए। सभी हैरान थे। सुबह से ही उनके घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। पड़ोस में रहने वाले उनके हम उम्र दोस्त बहुत दुखी थे। वास्तव में वे मन से भयभीत थे। उम्र के इस पड़ाव में जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सब दोस्तों की मंडली कपिल कुमार के आंगन में सुबह शाम जमती थी। कपिल कुमार को चलने फिरने में दिक्कत थी, इसलिए सब दोस्त उन्हीं के यहाँ इकट्ठे हो जाते और फिर कभी कोई ताशबाजी चलती तो कभी लूडो खेला जाता। कपिल कुमार की आवाज़ में खासा रोब था, ऊपर से जिंदा दिली ऐसे ही उनके रोते हुए वे हंसा देते थे। विनोद साहब तो उनकी खबर सुनकर सुन्न रह गए। बिल्कुल बगल वाले घर उन्हीं का था, इसलिए सबसे पहले खबर उन्हीं को ही मिली। विनोद साहब अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते थे। उनके दोनों बेटे अमेरिका में सेटल थे। कभी कभी मौत का ध्यान करके वे डर जाया करते थे कि अगर वे पहले चले गए तो उनकी पत्नी अकेली रह जाएगी। तब उनकी भोली पत्नी कैसे पेंशन, बैंक आदि के काम कर पाएगी। दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी में इतने मस्त थे कि वे कभी हफ्ते से ज़्यादा इंडिया आए ही नहीं। विनोद साहब काफ़ी ईमानदार व मिलनसार व्यक्ति थे। वे कपिल कुमार से 3 साल बड़े थे। उन्हें मन ही मन काफ़ी विश्वास था कि आगे उन्हें कुछ होगा तो उनकी पत्नी की ज़रूरत की चीज़ें की मदद वो करेंगे। परंतु कपिल जी की अचानक मौत की खबर से उनकी चिंता बढ़ा दी। चाय का ठेला लगाने वाला नानका सुबह उनके घर आकर खबर पक्की कर गया था। वह सुबह सुबह कर रो रहा था। कपिल कुमार अक्सर उसे छेड़ा करते थे। उसकी शादी नहीं हुई थी, पर अपना घर बसाने का उसके मन में बहुत चाव था। वह पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे विधवा मौसी ने पाला था। फिर वह भी कैंसर से बीमार होकर ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी। उसका मन संसार से विरक्त हो गया था। वह घबरा कर घर छोड़कर इधर उधर घूमता रहता। एक दिन विनोद साहब को ट्रेन में मिला था। उसके बारे में जानकर उसे समझा बुझा कर यहाँ ले आए। उन्होंने अपनी मंडली की मदद से उसे चाय का ठेला लगवा दिया था। दिन भर उसके ठेले पर अच्छा जमघट लगा रहता। उसकी मीठी बोली का रस लोगों के दिलों तक पहुँच जाता था और सब उसके कायल हो जाते थे। सारा दिन मंडली का चाय नाश्ता उसी की जिम्मेदारी थी। वे सब लोग भी उसका खूब ख्याल रखते। कभी उसको बड़ा ऑर्डर मिल जाता तो वे सब उसकी मदद करने बैठ जाते थे। उसने उसका कुछ बंधा हुआ नहीं था। सब जिसका जितना मन होता उसे पकड़ा देता और उसने भी उनके साथ कभी कुछ हिसाब किताब नहीं रखा था। नानका के लिए वे सभी लोग खून से बड़े रिश्ते वाले थे। उन लोगों के लिए दिए गए प्यार और अपनेपन ने उसके शुष्क मन को हरियाली से भर दिया था। आज कपिल कुमार को जाते ही उसको लगा कि उसका घर अपना उसे कोई छोड़कर चला गया हो। उनकी मंडली के खन्ना साहब को जब ये खबर मिली तब से वे काफ़ी उदास थे। मन ही मन सोच रहे थे कि उन सब का घोंसला टूट गया। दिल चाह रहा था कि दौड़कर कपिल कुमार के घर पहुंच जाए, पर पांव थे ना, साथ ही नहीं दे रहे थे। शायद मन ही मन अपना भविष्य वे कपिल कुमार में देखकर डर गए थे। उनके बेटे ने जब ये खबर सुनाई तो वे सोच में डूबे थे। पता नहीं जिंदगी का मोह था या सच्चाई से सामना करने का डर जो उन्हें अपनी जिगरी यार के घर जाने से रोक रहा था। उनके कानों में कपिल कुमार के जोरदार के ठहाकों की आवाज़ गूंज रही थी। कल शाम ही को लूडो खेलते हुए जब वे बाजी से जीत गए तो बोले थे, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। सरदार इंद्रपाल जी भी यही हाल था। वे कपिल कुमार के घर सुबह ही पहुंच गए थे। उनकी बॉडी के पास बैठे पथरा से गए थे।
परिवार के रोने की आवाज़ें रह रहकर उनके कानों में गूंज रही थी। पापा जी की तस्वीरों में से अच्छी तस्वीर निकालो। बेटे को खबर कर दी, अच्छा दोपहर तक पहुंचेगा। बेटी आ गई, अचानक रोने की आवाज़ तेज हो गई। उनके भाई बहन भी पहुंच गए थे। सरदार इंद्रपाल को मालूम था कि कपिल कुमार के अपने भाई से रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, पर अंतिम यात्रा में सबको शामिल करना जो था, सरदार इंद्रपाल अपने ही विचारों में खो गए। उनका एक बेटा था, अपना सब कुछ लगाकर उसे पढ़ाया लिखाया, अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम करता था, डॉलरों में तनख्वाह मिलती थी, खूब पैसा भेजता था। शुरू में तो हमेशा कहता था कुछ साल का अनुभव लेने के बाद वापस आ जाएगा, तब अपने देश में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। धीरे धीरे उसे अपने भविष्य के आगे बेटे का भविष्य दिखाई देने लगा। इंद्रपाल पत्नी के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रह गए और फिर एक दिन पत्नी भी छोड़कर चली गई। अब तो ये यार दोस्त की मंडली ही उनके लिए सब कुछ थी। आज उनमें भी एक विकट गिर गया। कपिल कुमार के घर से बाहर आकर उनका दिल बहुत ही भावुक हो गया। उन्होंने बेटे को फोन मिलाया। क्या हुआ पापा जी, सब ठीक है ना? उसकी आवाज़ की घबराहट सुनकर सरदार इंद्रपाल जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वहाँ इस समय मध्यरात्रि थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए बोले, हाँ पुत्र सब ठीक है, रात को बुरा सपना आया था, सो तुम सब खैरियत से जानने के लिए फ़ोन किया था। टाइम का ख्याल दिमाग से निकल गया। बेटे के दिल तक पिता की व्याकुलता पहुँच चुकी थी। उसने धीरे से कहा, बाबा जी क्या हुआ? मेरा यार कपिल सोनू सुसानू छोड़ के चला गया, कहते कहते वे बच्चे की तरह बिलख कर रोने लगे। बेटे ने कई तरह से उनको दिलासा दिया और जल्द ही आने का वादा करके उन्हें शांत किया। इधर बंगाली बाबू का भी घर पर यही हाल था। जब से कपिल कुमार की डेथ का उन्हें पता चला, तब से वे न जाने कितनी बार टॉयलेट करके आए थे। वे शुरू से कम बोलते थे, पर मितभाषी होने पर भी कुदरत ने इमोशन का उनमें कम नहीं दिए थे। वे अच्छे सरकारी ओहदे से रिटायर्ड थे, बहुत से लोग उनकी जान पहचान थी, परंतु रिटायरमेंट के बाद संयोग से जिस भी दोस्त को फ़ोन किया तो पता चला कि वह इस लोक को छोड़ गया। तब से उनके मन में वहम हो गया, इसलिए उन्होंने फ़ोन करना ही छोड़ दिया। सब उनका मजाक उड़ाते कि उनके फ़ोन करने और न करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, पर वे मुस्कुरा कर कहते, फ़ोन न करने से मेरे मोबाइल में उन लोगों का नंबर बना रहता है और दिल को तसल्ली रहती है कि मेरे पास अभी भी इनके इतने सारे दोस्त हैं। उनकी पत्नी कब से पैरों में चप्पल डाल के खड़ी तैयार थी, पर बंगाली बाबू के पेट में बार बार मुड़ोड़े उठने लगते थे। आखिर हिम्मत कर वे अपने यार के अंतिम दर्शन के लिए निकल पड़े। रितेश साहब इन सब से कुछ विपरीत थे। वे सुबह ही कपिल कुमार जी के घर पर आकर पूरा इंतज़ाम संभाल रहे थे। शादी ब्याह हो या किसी का मरना, वे इसी तरह से अपनी फ्री सेवा प्रदान करते थे। किसी के बिना कुछ कहे सब इंतज़ाम वे अपने ही आप कर लेते थे। फिर कपिल तो उनका यार था, इसमें कैसे पीछे रह जाते? बाहर तंबू लगवाते वे सोच रहे थे कि बाकी दोस्त कहाँ रह गए। सबकी मनोदशा का उनको कुछ कुछ अंदाजा था। नानका वहाँ पहले से पहुँचा हुआ था, घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स से पानी का बिल हाथ में लिए आया और फूट फूट कर रोने लगा। हर बार साहब मुझे पहले जाकर बिल भरने की हिदायत देते थे और सबके बिल इकट्ठे कर देते थे, अब मुझे कौन? रितेश साहब ने उसे अपने कंधे से लगा लिया और उसे चुप कराने लगे। नानका सबका दुलारा था, पानी का बिल हो या किसी बीमार रिश्तेदार को देखने जाना हो, सबका यह मुंह बोला बेटा हमेशा उनके साथ जाता था। वह कब उनके सुख दुख का साथी बन गया था यह किसी को पता ही नहीं था।
दोपहर तक कपिल कुमार का परिवार सहित सब लोग आ गए। सभी रिश्तेदार धीरे धीरे जमना शुरू हो गए। कपिल कुमार की मित्र मंडली भी उनके घर के आगे जमा हो गई। आती भी ना कैसे, यार को अंतिम यात्रा में कंधा जो देना था। अर्थी के उठाते ही एक बार फिर रुदन का शवर हो गया। सब लोग जोर जोर से रोने लगे। मोहल्ले के कौन खड़े हो गए। नानका की आंखों की नम हो गई। इस मित्र मंडली की वजह से उसका मनोरंजन होता रहता था, वरना आजकल तो सब लोग घर में ही घुसे रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं होता, कोई किसी से बात करके भी राजी नहीं है। शाम होते होते सब खत्म हो गया। जिस मित्र मंडली के ठहाके ने पूरी गली गूंजती थी, आज का मातम छाया हुआ था। सब अपने घरों में जाकर दुबक गए। रितेश साहब ने हिम्मत की और कपिल कुमार के घर के आंगन में पहुंच गए और रोने लगे। घर परिवार के लोग अंदर थे, बाहर मित्र मंडली की कुर्सियां तितर बितर बिखरी हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने कुर्सियों को सहेजना शुरू किया और बड़े जतन से ही उसने सटाने लगे। वे बीच में ही कोई जगह खाली नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने मित्र मंडली की याद आ रही थी। शायद ऐसा करने से तथाकथित यमराज उन्हें दोस्तों तक न पहुंच पाए। बाहर हलचल की आवाज़ सुनकर कपिल कुमार का बेटा बाहर आ गया। उन्होंने कुर्सी लगाते देखकर बोला, अंकल जी कोई आने वाला है क्या? हाँ बेटा, हम सब की मजलिस का समय हो गया है, क्योंकि वो सब लोग इसी टाइम शाम को इकट्ठे होते थे। कहते कहते फफक फक कर रोने लगे। उन्हें किसी तरह चुप करवा कर कपिल कुमार का बेटा उन्हें घर के बाहर छोड़कर आ गया। इधर उधर देखकर मकान का भी सौदा हो गया। मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार कर व्यवहारिक होने में अब कम ही समय लगता है आजकल, क्योंकि सब बच्चों को आजकल धन प्रॉपर्टी वही चाहिए। नम आँखों के साथ कपिल कुमार का बेटा सबसे विदाई लेकर चला गया। सबके जाते ही सारे दोस्त अपने अपने घरों से निकल आए, जैसे उसके जाने का इंतज़ार ही कर रहे हो। कपिल कुमार के घर के बाहर एक कोने में टेंट वाले की दरी अभी भी पड़ी हुई थी। चुपचाप सारे दोस्त असहज होकर उसी दरी पर बैठने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी लोगों की उम्र ज़्यादा थी। इस उम्र के मोड़ पर चौकड़ी मारकर बैठना तो मुश्किल था। सब निःशब्द थे। उनके मौन के में एक ही प्रश्न था कि कल से कहाँ बैठने का इंतज़ाम करना है, क्योंकि जो कपिल कुमार उनका दोस्त था वो तो चला गया था। मोहल्ले के कोने में खड़ा चाय वाला नानका ये सब देख रहा था। वह अचानक से हाथ जोड़ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। साहब, कपिल कुमार के बेटे ने सारी कुर्सियां मुझे दे दी है। आप सब से विनती है कि आप चलकर मेरी दुकान पर बैठें। आप सब तो इस मोहल्ले की रौनक हैं, वरना आजकल कौन किसी से बात करता है। ये सब नानका कहता है उनसे। कुछ ही देर में चाय वाले के यहाँ सब नया घोंसला तैयार करता था और वे सब बैठे लूडो खेलने की तैयारी में लग गए थे। तो दोस्तों, ये था एक वृद्धों का घोंसला जो नानके ने फिर से तैयार कर दिया था अपनी चाय की दुकान पे। तो आशा करती हूँ दोस्तों, ये एक छोटी सी टचिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।